चुनाव की बात है, चुनाव नज़दीक हैं, इलेक्शन हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं। और रही नाराजगी की बात, मेरी कभी भी नाराजगी कांग्रेस से जीवन में नहीं रही है। कोई ऐसा इंस्टेंस भी नहीं हुआ है कि हमने कभी नाराजगी दिखाई हो या जाहिर करी हो। और जब ऐसे ऐसे चुनाव जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कई तरह की भ्रामक प्रचार होते हैं। उसमें कुछ हमारी अपनी पार्टी के लोग होते हैं, जो कि सबको पता है कि हमारे रिलेशन जो है वो सेंटर से भी अच्छे, बहुत अच्छे रिलेशन है। तो कुछ एक हमारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के तथाकथित, जिसको बोल सकते हैं नेतागण, जिनके पास अपने वार्ड मेंबर लड़ने की जिनके पास क्षमता नहीं है, वो लोग ऐसे प्रचार जो है करते हैं इमेज डैमेज करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी कोई नाराजगी कांग्रेस पार्टी के प्रति या किसी अन्य किसी नेता के प्रति नहीं है। हम लोग वी आर ऑलवेज लॉयल टू द पार्टी एंड विल बी लॉयल टू द पार्टी। और मुझे भी उड़ती उड़ती खबर, जिसको बोलते हैं एक र्यूमर, मेरे कानों तक भी आई थी कि किसी हमारे नेशनल लीडर जो है उन्होंने हमारा नाम कहीं लिया है कि बीजेपी ये ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा, भगवान भी आके बोलेंगे कि बीजेपी ज्वाइन करो तो हम बीजेपी में नहीं जाएंगे या किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। हम जो कुछ भी हैं कांग्रेस पार्टी ने हमें दिया है, जिला परिषद चेयरमैन बनाया, पार्टी में यूथ कांग्रेस में, नेशनल यूथ कांग्रेस में हमें पद दिया है, यूनियन यूथ कांग्रेस में, AICC का सचिव बनाया है, 2 बारी पार्टी का टिकट दिया है किन्हीं हालातों में। तो हम अपनी लॉयल्टी जो है हमेशा पार्टी के साथ ही रखेंगे।